उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ की एक बैठक रविवार को नगर के परिक्रमा मार्ग स्थित संत हरिबोल बाबा के आश्रम पर संपन्न हुई। इस बैठक में जनपद के माध्यमिक शिक्षकों ने सहभागिता करते हुए अपने सुझाव और शिकायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष को बताए। बैठक का शुभारंभ संत हरिबोल बाबा व संघ प्रदेश अध्यक्ष आशादीन तिवारी ने ठाकुर जी के चित्रपट के समक्ष प्रज्वलन कर किया। तदुपरांत मथुरा जनपद शिक्षण संघ के चुनावों में निर्वाचित हुए शिक्षकों को शपथ ग्रहण कराई गई। वहीं श्री तिवारी ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए प्रदेश की बिगड़ती शिक्षा के लिए शिक्षा मंत्री पर निशाना साधा। कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रदेश की बिगड़ती शिक्षा में सुधार आ सकेगा। आज जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेतर संघ का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में जो पदाधिकारी निर्वाचित हुए थे उनका शपथ ग्रहण समारोह है। शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर सभी जनपद के साथी यहाँ एकत्र हैं, पदाधिकारी शपथ लेंगे और उसके पश्चात संगठन की आगे की नीति तैयार करेंगे कि हमारी जो शिक्षणेतर कर्मचारियों की मांगे हैं सरकार के साथ जो समझौते हुए उन पर भी जो चर्चा पर चर्चा हम लोग आज करेंगे। शिक्षा के लिए अलग से प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं संयोग से डिप्टी सीएम भी वही हैं, उनकी नीतियाँ इतनी स्पष्ट हैं जिसके विषय में आप सोच नहीं सकते। पिछले बार जब बोर्ड की परीक्षा हुई, बोर्ड की परीक्षा में आपने देखा होगा हर विद्यालय में कैमरे लगे, ये लगे, वो लगे, लेकिन जब मूल्यांकन हुआ परीक्षा के बाद तो मूल्यांकन में अगर मूल्यांकन करने वाले शिक्षक ने 15 नंबर दिए तो 15 को 35 बना दिया गया, 6 नंबर दिए 6 को 26 बना दिया गया। इस प्रकार से जो एक आंतरिक भ्रष्टाचार है वो भ्रष्टाचार पिछली बार तो समाप्त नहीं हुआ, आगे बोर्ड की परीक्षा आने वाली है, इसमें वो जो है कुछ करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे हमको कतई विश्वास नहीं है। इसलिए कि शिक्षा मंत्री का सोच बहुत अस्पष्ट है और मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कोई बहुत आमूल जो है वो परिवर्तन ला पाएंगे।